अक्सर देखा जाता है कि हम कई जगहें ऐसी देखते हैं, जिनको देखने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसे बनाई गई होंगी और क्यों। ऐसा ही कुछ नज़ारा है इन समुद्र के बीच बने रहस्यमय किलों का। ये अजीबोगरीब किले देखने में किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लगते। इन्हें समुद्र में बनाया गया है। इन्हें रेड सैंड्स फोर्ट के नाम से जाना जाता है। शायद ही आपको पता हो कि समुद्र में ये किले आखिर क्यों बनवाए गए थे। दरअसल इसके पीछे 77 साल पुरानी एक कहानी है, जो ब्रिटेन और जर्मनी से जुड़ी हुई है। इंग्लैंड के समुद्र तट से करीब 7 मील दूर समुद्र में ये किले स्थित हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड में ही इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मशहूर टेम्स नदी के मुहाने के करीब बने इन किलों तक सिर्फ नाव के जरिए ही पहुँचा जा सकता है। हालांकि यहां लोग न के बराबर ही आते हैं। 1960 के दशक में कुछ युवाओं ने इन किलों से एक रेडियो स्टेशन शुरू किया था। कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 1967 में ब्रिटिश सरकार की नीतियों में बदलाव की वजह ये समुद्री रेडियो स्टेशन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। रख रखाव की कमी के चलते ये किले जर्जर स्थिति में पहुँच चुके थे। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के कुछ लोगों का ध्यान निचोड़ गया, जिसके बाद कुछ पूर्व सैनिकों, इंजीनियरों और इतिहास की समझ रखने वाले लोगों ने इन समुद्री किलों की मरम्मत को लेकर प्रोजेक्ट रेड सैंड शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद ब्रिटेन के इतिहास के इस पन्ने को संजोकर रखना था। इन समुद्री किलों को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बनाया गया था। दरअसल इनका मकसद जर्मन एयरफोर्स की बमबारी से लंदन की सुरक्षा करना था। कहते हैं कि उस समय इन किलों पर 200 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिकों को तैनात किया गया था, जो दिन रात आसमान की निगरानी करते थे, ताकि जर्मनी के लड़ाकू विमानों को लंदन पहुंचने से पहले ही तबाह कर सकें।
तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।